हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात सम अनुपात की बहुत अच्छी ट्रिक। इसमें मैं 6 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा और उससे मैं आपको ये पूरा चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे इसके जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। जो भी मेरे दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाए ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑन करना न भूलें। बेल आइकन जब आप रेड कलर का बटन दबा लेते हैं उसके बाद बेल आइकन आता है, उसको भी ऑन कर ले, और हो सके तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक हमारे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के पार्ट नहीं देखे हैं, मैंने उन्हें विद शॉर्ट ट्रिक के साथ में समझाए हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं जाकर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लूँगा मैं। ए और बी का रेशो दे रखा है 3:5 और बी सी का रेशो दे रखा है 2:5। तो इनका पूछा है ए बी सी का रेशो क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या होता है, आपको ये दिख रही होगी ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अभी मैं इसको बताता हूँ आपको इम्प्लीमेंट कैसे करनी है। ए और बी जैसे इन्होंने दे रखा है, सबसे पहले हमें लिख लेना है ए और बी 3:5 दे लिख लिया हमने, बी और सी 2:4 ये भी हमने लिख लिया। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आंसर कैसे लेके आना है, क्योंकि इसमें बी 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसकी वजह से ही तो हमें पूरी ये शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ रही है। अब अगर मैं 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए का रेशो आ जाएगा, फिर 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो बी का रेशो आ जाएगा, और 5 और 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो सी का रेशो आ जाएगा। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो सीधा सीधा आपको एक बार नीचे को ये मल्टीप्लाई कर देनी है, एक बार इस साइड में और एक बार नीचे को, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं तो नीचे आपके सारे क्वेश्चन इसी बेस पे मैं कराने वाला हूँ आज। एक बार और देख लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, फिर 2 की 5 में हो जाएगी, यानी कि बी बी की हो जाएगी और फिर बी और सी की हो जाएगी। तो सबसे पहली मल्टीप्लाई ए का रेशो लेकर आएगी, 3 × 6 आ गया 6, 5 × 10 आ गया बी का रेशो, और 5 × 20 ये आ गया सी का रेशो। तो ये तीनों के रेशो आ गए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर ये दे रखा है 3 का, यानी कि ए बी सी बी सी और सी डी, इसमें 3 बंदे हो गए, 3 कैंडिडेट हो गए ए बी सी डी। ठीक है, इसमें रिपीट कौन कौन हो रहा है, बी और सी। ठीक है, तो अब फिर हमें वही फॉर्मूला अपनाना है, सबसे पहले लिख लेना है ए बी बी सी और सी डी। इसको लिखने के बाद सबसे पहले इस लाइन की पूरी की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरी लाइन की मल्टीप्लाई होते ही ए का रेशो आ जाएगा, ए का रेशो कितना आ गया 6। फिर हमें करना है 3 और 1 की मल्टीप्लाई, देन 3 की मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाली रेशो हमें इस साइड से ऊपर ले जाना है। ये चीज़ एक बार आपको दिमाग में बैठ गई तो फिर आप ये नहीं भूलेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक। फिर आपको 3 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है और फिर ये ऊपर को ले जाना है, तो फिर 3 की कर लेनी है और फिर ये पूरी लाइन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आ जाएगा डी का रेशो। तो एक बार देखो इसे पूरे को, इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करते ही ए का रेशो आ गया 3, 2, 2 × 2 और 2 की 3 में कर दी तो 6 ए का रेशो। फिर 3 की 1 में करी और 3 की फिर 1 की फिर इसमें कर दी 3 में, तो कितना आ गया 6, वो 9, फिर ये आ गया बी का रेशो। अब ये 3 की 2 में की और 2 की फिर 3 में कर दी, ये किसका आ गया सी का रेशो। और इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करी 3 की 2 में, 2 की फिर 4 में, तो ये आ गया 24, ये आ गया डी का रेशो। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि ये 3 से सारे कट रहे हैं, तो रेशो अगर कभी भी कटता है 3 से 6, ये कट गया 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 6 टाइम और ये 8 टाइम, ये आपका रेशो आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपकी समझ में नहीं आती है, ये इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम लिंक में सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम में अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है मैंने लिंक, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी, आप आराम से इसको देख भी सकते हैं। अगर आपको दे रखे कंटिन्यूसली ए बी सी करेशो 2, 3 और 5, सी डी ई करेशो 5, 2, 3, तो इसमें सिर्फ सी 2 बार रिपीट हो रहा है और ये रेशो पूछा है ए बी सी डी ई का। ठीक है, तो इसमें सी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक दोस्तों ये होती है ए बी सी डी सबसे पहले हमने लिख लेना है सभी को,
फिर ए बी सी का रेशो क्या है, 2:3:5, ये भी हमने लिख लिया। फिर दोबारा जो नीचे वाली लाइन है इसको फिर दोबारा से लिखेंगे, 5 सी का रेशो है तो 5 फिर उसके नीचे लिख देंगे, यानी कि जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको 2 बार लिख देंगे, और जो 1 बार है उसको सिर्फ 1 बार लिख कर छोड़ देंगे। डी का 2 लिख लेंगे, ई का 3 लिख लेंगे। इसके बाद 2 की जो ये है, जो एक ये एक्स्ट्रा 5 है सी का, क्योंकि 2 बार 5 आया हुआ है, तो इसमें सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर आता चला जाएगा। जैसे अभी मैं करके बताता हूँ आपको, 5 की 2 में की कितना आ गया 10, 5 की 3 में की कितना आ गया 15, 5 की 5 में की कितना आ गया 25, 5 की 2 में की तो कितना आ गया 10, और 5 की 3 में की तो कितना आ गया 15। तो यही आपका आंसर आ गया ए बी सी डी ई का। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल इजी से आपके ट्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट अब क्वेश्चन कराता हूँ मैं। और दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें बोला है 7:3 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए ताकि वह 3:4 बन जाए। आप समझ गए, 7 और 13 में क्या, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि वो 3:4 बन जाए। तो इसका सिंपल सा फंडा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको बोला कि 7/13 में क्या जोड़ा जाए, तो 7/13 में हम एक्स जोड़ लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स जोड़ लिया। इसमें ये नहीं समझना कि आपने एक्स वाई यूज कर लिया, मैंने उसके बराबर में लिख लिया, क्योंकि हमें बनाना कि क्या है इसे 3/4, तो 3/4 इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7/3 में कुछ जोड़ना है, तो कुछ क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया, और एक्स हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही 7 और 3 में दोनों में एक्स एक्स प्लस कर लिया, और जो हमें बनाना है उसको बराबर में रख लिया, क्योंकि 3/4 हमको इसको बनाना है। क्या जोड़ के 7/13 में क्या जोड़ा जाए कि 3/4 बन जाए, 3:4 बन जाए, तो हमने 3/4 इसके बराबर में रख लिया। बस आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आंसर आ गया। 7 की 4 में करेंगे 28 आ जाएगा, और 4 की x में करेंगे तो 4x आ जाएगा। ऐसे ही 13 की 3 में करेंगे तो 39 आ जाएगा, और 3 की x में करेंगे तो 3x आ जाएगा। ये हो गया पूरा आपका क्वेश्चन सोल्व। और इसको 3 को इधर लेके जाएंगे तो x बचेगा, और 39 को इधर लेके जाएंगे तो इसमें से 28 माइनस कर देंगे तो 11 बचेगा, x का 11 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, यानी कि 7 और 13 में 11 11 प्लस कर दें तो 3:4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं, रेशो बिटवीन ए एंड बी 5:6, इफ ए गेट लेसर देन बी देयर टोटल इनकम इज। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, ये मैंने इंग्लिश में लिख लिया था। ए तथा बी की आयु में 5:6 का अनुपात है, 5:5 का अनुपात है, 5:6 का। यदि ए और बी से 1100 रुपये कम मिलते हैं तो उसे उसकी कुल कितनी आय है। तो दोस्तों इसमें सिंपल सिंपल सा इनकी आय का अनुपात दे रखा है 5:6, ठीक है, और इन ए को बी से कितने कम मिलते हैं, 1100। ए को बी से 1100 रुपये कम मिलते हैं, यानी कि अगर देखा जाए इनके रेशो में 1 का डिफरेंस है। ए को अगर अभी हम 1100 को भूल जाते हैं, इसमें देखते हैं सिर्फ रेशो में, रेशो भी तो ए का बी से 1 कम है, ए का बी से 1 रेशो कम है, तो इसका मतलब ये 1 जो है ये 1100 के इक्वल है, ये 1 1100 के इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है, तो उनकी कुल आय कितनी है, तो कुल कितनी हो जाएगी 6 5 11। अगर रेशो में देखी जाए तो कितनी है उनकी कुल आय, 11। अगर अभी हम इसे ना देखें 1100 को, तो ए को 5 मिलते हैं, ये समझ लीजिए, बस ए को 5 मिलते हैं, और बी को 6 मिलते हैं, और एक बी को ए से 1 रुपया ज़्यादा मिलता है, ये समझिए बस अभी, ठीक है, और टोटल इन दोनों को 11 रुपये मिलते हैं। अगर देखा जाए तो 1100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं बी को, यानी कि एक के एक 1:1 कितना हो जाएगा 1100, और टोटल इनकम निकालनी है तो 1100 को ए से 1 से भाग कर देंगे, और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल इनकम कितनी है 1100, तो 12100 आपकी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका देखते हैं एक और क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस, 11
10 के अनुपात में है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय है। आप सभी को पता है सेविंग क्या होती है, इनकम में से अगर हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो वो हमारी सेविंग बच जाती है। ठीक है, तो अभी जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा इसमें क्या है, इनकम क्या है 11 रुपये और एक्सपेंसेस क्या है 10, तो 1 रुपया क्या बचा। अभी रेशो को मैं रुपये में देख लेता हूँ क्योंकि ये ईजी पड़ता है ऐसे देखने में। ठीक है, तो कितना बचा, 1 रुपये की सेविंग है। और अगर रुपीज़ में देखा जाए, पूरी देखा जाए, तो वह पूरे वर्ष में 9,000 रुपये की बचत करता है, यानी कि 1 = 9,000 रुपये हो जाएगा। रेशो अगर 1 माइनस कर दिए, मतलब 11 में से 10 माइनस करें तो 1 बचेगा, यानी कि सेविंग 1 है और 1 = 9,000 है, तो 9,000 के को हम 1 से भाग कर देंगे और टोटल जितने हैं उनसे गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 99,000 आपकी टोटल वार्षिक आय आ जाएगी। पर इन्होंने क्या पूछा है, मासिक आय पूछी है, मंथली इनकम पूछी है कि 1 महीने में कितना कमाता है, तो 99,000 को 12 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8,250, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपका जो कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप में, आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और जिसने अभी तक टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से किसी के पास भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है कई बार, तो मैं वहाँ पे वीडियो को शेयर कर देता हूँ तो उस आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है, क्योंकि टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लोगे, मैं वहाँ पे हर वीडियो को शेयर करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं, सारी शॉर्ट ट्रिक, 5,000 क्वेश्चन सीरीज, #parts सभी आप वहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।